अक्सर मेरी वीडियो के कमेंट के नीचे ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है, क्या मेरी बाइक में पीछे डिस्क ब्रेक लग पाएगी। कुछ लोग 100 सीसी या 125 सीसी के लिए ये सवाल पूछते हैं कि उनकी बाइक में आगे डिस्क ब्रेक लग पाएगी, और पीछे की डिस्क ब्रेक के लिए ज्यादातर सवाल वही पूछते हैं जिनके पास सिंगल डिस्क ब्रेक वाली अपाचे होती है या पल्सर होती है। तो ऐसे में कमेंट के नीचे अगर मैं आपको लिख दूं कि नहीं लग पाएगी और आपने कहीं से पीछे डिस्क ब्रेक लगवा ली, चाहे वो जो बाइक का मॉडिफाई करते हैं उनके पास आप जाके लगवा सकते हैं, तो ऐसे में जब आप लगवा लेंगे तो आप यही कहेंगे मैंने आपको गलत सलाह दी, गलत जवाब दिया। और अगर मैं आपको ये लिखता हूं कि लग जाएगी तो आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि कितना का खर्चा आएगा, क्या क्या सामान चेंज करना पड़ेगा, कहां से लगेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब कमेंट में देना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं जिसमें मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे पाऊंगा, कि जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपकी बाइक में पीछे या आगे डिस्क ब्रेक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक वन मिंटो राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। कृपया बाइक और स्कूटर संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्या आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो मेरा जवाब ये है कि आपकी चाहे जो भी बाइक होगी उसमें डिस्क ब्रेक जरूर लग जाएगी, लगाने वाले भी होने चाहिए और लगवाने वाले भी होने चाहिए। लगाने वाले से मतलब ये है कि जो लोग लगाएंगे उनको सारे सामान मिल जाएं तो वो लगाने के इच्छुक होंगे तो जरूर लगा देंगे, और लगवाने वाले से मतलब ये है कि उसमें जितना खर्चा आएगा अगर आप खर्चा झेलने के लिए तैयार हैं तो आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक जरूर लग जाएगी। तो मैं अब बिना टाइम गंवाए बताता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें सामान लगता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अपाचे RTR 180 है, और अगर आपके पास 160 RTR है जिसमें पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक ये होता है कि जिस बाइक में ड्यूल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है और आप सिंगल डिस्क वाली बाइक लेते हैं तो उसमें डिस्क ब्रेक लगाना ज़्यादा आसान होता है, और एक वो होता है जिनमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है तो उसमें लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लग जरूर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लें, अगर आपके पास सिंगल डिस्क वाली अपाचे है तो उसमें क्या क्या लगेगा। उसमें आपको ये अलॉय व्हील चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ड्रम ब्रेक लगी होगी, और ये अलॉय व्हील इसलिए चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ये प्लेट फिट करनी पड़ेगी। तो आपको अलॉय व्हील लेना पड़ेगा, ये प्लेट लेनी पड़ेगी, ये पूरा डिस्क का सिस्टम लेना पड़ेगा, और ये स्विंग आर्म लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्विंग आर्म का सिस्टम अलग होता है, ये डिस्क ब्रेक उसमें जाके फंसती है। कुछ लोग इस स्विंग आर्म में जुगाड़ कर देंगे, जो यहाँ पर फंसने वाला सिस्टम है इसको वेल्डिंग कर देंगे और वो उसमें फंस जाएगा और आपकी बाइक में स्विंग आर्म नहीं चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा सारा सामान सर्विस सेंटर से खरीद लेते हैं तो आपकी बाइक में ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे भी सारा जुगाड़ करने के बाद इसमें फिट हो जाएगी, और इसमें लगभग 10,000-12,000 या जितने भी इसमें खर्चा आएगा, क्योंकि आप ये देख लें कि अलॉय व्हील लगभग 4,000 आएगा, इसमें 2,500-3,000 रुपए की डिस्क का सिस्टम आएगा, प्लेट भी 800-900 रुपए की प्लेट आएगी। तो ऐसे आप जोड़ लें कि जब आपको लगवाना होगा, आपको शौक होगा तो आप पैसे फिर ना देखें, आपको जितने का सामान मिलेगा। मेरे यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई फालतू का पैसा लेता है तो उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो उसका वाजिब रेट होना चाहिए उस रेट में आपको मिल रहा है तो आप अपनी शौक से उसको लगवा सकते हैं। तो आप ये जान लें कि इसमें ये लग जाएगा। और आगे के डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो मैं आपको दिखा दूँ कि आगे डिस्क ब्रेक में आपको क्या क्या चेंज करवाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास चाहे 100 सीसी की बाइक है चाहे 125 सीसी की बाइक है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें ड्रम ब्रेक होता है, तो उसमें भी अलॉय व्हील चेंज करवाना पड़ेगा आपको, ये आपको डिस्क ब्रेक का सिस्टम लेना पड़ेगा, और ये सॉकर लेना पड़ेगा राइट हैंड वाला क्योंकि उसी में ये डिस्क ब्रेक फिट होगी। फिर आपको मास्टर सिलेंडर लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लेने के बाद ही आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक लग जाएगी, और इन सारी चीज़ों को अगर आप मॉडिफाई करने वाले के पास लेके जाएंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें फिट कर देंगे। आप जो भी चाहेंगे आपकी बाइक में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, बस आपको जो भी उसमें खर्चा आएगा आपको करवाना होगा। अब ये आप खुद सोच लें कि आपके लिए ये सारी चीज़ें उचित है या नहीं, 10-12 हज़ार रुपये खर्च करना उचित है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप खुद सोच के तब आप उसमें डिस्क ब्रेक लगवाएं। बस आपको यह जवाब देना था कि आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, और इन सारी चीजों को जानने के बाद आप खुद तय कर लें कि आपको डिस्क ब्रेक लगवाना है या नहीं लगवाना है। और यहां पर जब मैं आपको पीछे दिखा रहा था तो जैसे कि अगर आप कंपनी वाला ही सर्विस सेंटर वाला ही सामान खरीदते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर आप आफ्टर मार्केट पार्ट खरीदते हैं तो आपको अलॉय व्हील भी अलग आ जाएंगे, थोड़ा फैंसी आ जाएंगे, उनको भी आप लगवा सकते हैं। तो मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि अगर आप इन चीजों को उसी दुकान पे पता करेंगे जहाँ पर बाइक मॉडिफाई होती हैं या इनके आफ्टर मार्केट सामान मिलते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि कितने में ये सारी चीज़ें पड़ जाएंगी। आपको सस्ती भी पड़ सकती हैं, महंगी पड़ सकती हैं, हर एरिया का फर्क होता है, वहाँ पर सामान किस तरीके से मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का फर्क होता है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही था कि जो मुझसे कमेंट में पूछा जाता था कि क्या मेरे बाइक में डिस्क ब्रेक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, तो मैं आपको कमेंट में कहाँ तक जवाब देता, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ और आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।